कर्जा दीजिए तारीख लीजिए, कर्जा दीजिए तारीख लीजिए। अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड, एक शख्स को मैंने कर्ज़ा दिया और कर्ज़ा देने के बाद ये सीन हुआ कि उसने मुझे एक टाइम दिया कि मैं फ़लां टाइम पे आपको वापस करूँगा, लेकिन जब टाइम पूरा हुआ तो उसने तारीख पे तारीख पे तारीख देनी शुरू कर दी और अभी तक मेरा कर्ज़ा नहीं लौटाया और अब मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा। तो मैंने कहा कि इस तरह करता हूँ कि इस पर शायरी लिख देता हूँ, शायद वो सुन ले और अल्लाह उसके दिल पे डाल दे और मेरा कर्ज़ा वापस कर दे। अगर आपका भी किसी ने कर्ज़ा देना है तो प्लीज़ ये उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है उसके दिल पे भी आए और वो आपका कर्ज़ा लौटा दे, या किसी ने किसी का कर्ज़ा देना हो तो ये सुन के उसको लौटा दे तो आपको अजर मिल जाएगा शेयर करने का। कर्ज़ा दीजिए तारीख लीजिए, कर्ज़ा दीजिए तारीख लीजिए, मुकदमा दीवानगी समझ लीजिए, बसा रहता है अब मेरे दिल में, बसा रहता है अब मेरे दिल में, उसे आप मेरा जानू कह दीजिए, बनता था जो मेरी महफ़ल की बहार, बनता था जो मेरी महफ़ल की बहार, उसको ख़ज़ां कह दीजिए, कर्ज़ा दीजिए तारीख लीजिए, मुकदमा दीवानगी समझ लीजिए, देता नहीं कोई मैसेज का जवाब, देता नहीं कोई मैसेज का जवाब, आप मुझे ब्लॉक समझ लीजिए, नज़र आता था गली मोहल्ले में, नज़र आता था गली मोहल्ले में, अब उसको मफरूर कह दीजिए, हम भी लहरों की तरह लिपट रहे हैं, हम भी लहरों की तरह लिपट रहे हैं, आप उसको साहिल कह दीजिए, कर्ज़ा दीजिए तारीख लीजिए, मुकदमा दीवानगी समझ लीजिए। मौजों की चीखें सुन लो हबीब, हबीब नहीं है जिसने मेरा कर्ज़ा देना है, हबीब प्यारे को कहते हैं। मौजों की चीखें सुन लो हबीब, मुझको धोखा मत दीजिए, पीपल के पत्ते कब तक सराएंगे, पीपल के पत्ते कब तक सराएंगे, मेरी किस्मत जगा दीजिए, दिया था आपको खून पसीना निकाल के, दिया था आपको खून पसीना निकाल के, मेरा कर्ज़ा लौटा दीजिए, मेरा कर्ज़ा लौटा दीजिए, कर्ज़ा दीजिए तारीख लीजिए, मुकदमा दीवानगी समझ लीजिए। उम्मीद है फ्रेंड ये शायरी आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा कि शायद आपके कमेंट्स पढ़ के वो मेरा कर्ज़ा लौटा दे। अगर उसने मेरा कर्ज़ा लौटा दिया तो इसमें आपका बहुत बड़ा किरदार होगा। अल्लाह आप सबको सलामत ता क़यामत रखे, आमीन सुम आमीन।